अगर आज की औरत कोई कहेंगे कि ये दान चार चार तरह सुबह कोटते थे, अपने एक जॉइंट फैमिली को खिलाते थे और फिर सरप्लस भी रखते थे विंटर के लिए, वो कहेगी ये क्या कह रहे हैं, ये कोई दास्तान है, ये दास्तान है, ये कोई रियलिटी नहीं हो सकती है, रियलिटी नहीं हो सकती है, रियलिटी नहीं हो सकती है। मगर ये मेहनत लोग करते थे, ये वहाँ एक अकीदा था ये रखना है, बाकी इसी कुछ किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। लाइफ के खैबर आज की मुलाकात में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, सीरीज डेडिकेटेड है रमज़ान को, जो महीना है रोज़े का। हम बिल्कुल उसी तरह रोज़े रखते हैं जिस तरह हमसे पहले बहुत सारी कौमें रोज़ा रखती हैं। तो इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को के हवाले से बात करते हैं, एक्सपर्ट्स से, हमने साइंटिस्ट से भी बात की है, डॉक्टर से भी बात की है, और एकेडमिक्स की डिफरेंट फील्ड्स जो हैं, इसके रमज़ान के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोफेसर अशरफ साहब को। प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ वानी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हिस्ट्री के सरबरा रह चुके हैं और कई किताबों के मुसन्निफ भी रहे हैं। तो प्रोफेसर अशरफ साहब, आपका खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हम शुरुआत इस बात से करेंगे, हम 21वीं सदी में रहते हैं, मॉडर्न है, रादर सुपर मॉडर्न है। अगर हम टेक्नोलॉजी की देखें कि तरक्की क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप मशीन लर्निंग है, दुनिया तो अब मोबाइल से पूरी आधी दुनिया तो उसे चलती है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन था है काफ़ी सदियों से, उससे पहले भी बाकी कौमों में रोज़े का, फाके का, ऑर्गेनाइज्ड फाके का, तो इसमें वो मॉडर्न दौर में क्या चीज़ें थी जो जिनका ख्याल लोग रखते थे रोज़े के महीने में? देखिए जी, पहले जैसे कि आपने कहा कि आज का ज़माना और वो ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम जानते हैं कि किस दिन हमको रोज़े रखने हैं एक्यूरेटली, कब इफ्तार करना है, कब सहरी का इख्तिताम होगा। टेक्नोलॉजी हमको ये सब हेल्प करती है, और आजकल के एंटरटेन सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट और दूसरी चीज़ें जो है और इंफॉर्मेशन, वो भी डिफरेंट है, वो उस ज़माने में ये नहीं था। तो पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आज से मतलब प्री मॉडर्न ज़माने में ये कैसे मुतय्यन होता था कि कब से रोज़ा, कब से रोज़े रखना, कब से माह रमज़ान शुरू हो रहा है। तो उस ज़माने में ये सारी चीज़ें जो थी, ये मतलब जो एक कलेक्टिव विजडम जो थी वो ट्रांसमिट होती थी फ्राम माउथ टू माउथ। तो इस के लिहाज से ये लोग जो थे ये शुमार करते थे कि ये जो महीना आने वाला है रोज़े का, ये इसका मतलब कुछ अंदाज़ा वो लगाते थे। जब से मतलब ये चांद जो है, चांद चूँकि हम पहले 15 डेज में चांदनी रात होती है और दूसरे में चांदनी रात नहीं होती। ये चांदनी रात कब ख़त्म होती है और ये जिसको हम कश्मीरी में घटपच कहते हैं कब से शुरू होता है, तो इसका ये शुमार रखते थे या 29 का होगा या 30, क्योंकि ये तो लोगों को मालूम था ये हमारा जो महीना जो है ये 29 का या होता है या 30 का होता है, और 29 और 30 को लोग इसका इंतज़ार में रहते थे कि चाँद देखने में, कि चाँद देखने के बगैर रोज़े नहीं रख सकते। तो जब ये चांद का जो आइडेंटिफिकेशन या चांद देखा गया, ये श्रीनगर से स्टार्ट होता था, क्योंकि जो उलमा आलिम थे, जो खतीब थे, जो मतलब जो बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारा था ये श्रीनगर में ही था। तो यहाँ जब इसकी सर्टिफिकेशन होती थी कि हुआ, तो ढोल बजने लगता था। तो ये ढोल जो था, एक ढोल वो दूसरे महले को, दूसरा महला तीसरे महले को, तीसरे महले से ये इसी तरह से ये गांवों तक जो है ये आवाज़
पहुंचती थी कि रोजे। ये एक तरीका था जो एक कॉमन प्लेस तरीका था हमारे पुराने ज़माने में। इसी तरह से जो अब इफ्तार कब करना है, इफ्तार या सहरी कब ख़त्म होगी या शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, इसके लिए मुर्गा जो था ये काम देता था प्री मॉडर्न लोगों को। कि आमतौर पर यह कि जब मुर्गे जो हैं ये जब अपने उस जो इनका घर होता था, यानी मतलब जिसको हम कश्मीरी में मुर कहते हैं, जब ये हम कहते हैं कि क्वाकर चाया मरीस किन्ना, यानी ये लिहाजा क्वाकर मरीस, जब मुर्गे जो हैं जब अपने उसमें जाएंगे तो हाँ, तो इसका मतलब यह है कि इफ्तार का वक्त आ गया, शाम को ये इफ्तार का वक्त आ गया। ये एक कॉमन एक कल्चर था हमारा ये जानने का, या कॉमन एक प्रैक्टिस थी कि इफ्तार का वक्त है। इसी तरह से सहर का वक्त कब से शुरू, मुर्गा ही ये काम भी अंजाम देता। मुर्गा जो अजान बांग देते, जो बांग कहते हैं, बांग देता था, तो ये ऑब्जर्व किया था लोगों ने कि हमारा मुर्गा जो है ये पहला बांग जो है ये कब देता है, उस वक्त कौन सा टाइम है, दूसरा जब देता है, तीसरा वो एक देता है कि जब मतलब सहरी का वक्त शुरू होता है, और लास्ट बांग देता है जब मतलब सुबह मतलब शुरू होती है, सहरी का वक्त ख़त्म होता है। तो इसी ये एक एक ज़रिया था कि कब सहर शुरू सहरी शुरू होती है और कब इख्तिताम पर। तो इसके साथ साथ फिर लोग जो थे, कुछ लोग मुतय्यन होते थे जो इसका जिसको सहर खान कहते थे, जो सहर खान जो था, या तो वो ढोल बजाता, अगर बड़ा गांव होता था, अगर छोटा गांव तो वो घड़ी का उसी का इस्तेमाल करके उसी को बजाते थे और लोगों को बेदार करते थे। ये एक तरीका था इसमें जो कर ये, और इसके साथ साथ जो हमारी कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस इसके साथ। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हाँ, ये जो है कि ईद का भी ऐसा ही था कि ईद कब होगी, ईद का भी यही था कि ये ईद का चांद निकलना चाहिए उससे पहले गटपश के दिन उसी के हिसाब से उसी के। और कभी कभी अगर मौसम ख़राब होता था तो कभी कभी ये फिर सुबह समटाइम्स इवन खाना खाने के बाद पता चलता था नहीं ईद आज ही थी। ये उस ज़माने में ऐसा होता था, सहरी के बाद कभी कभी ये भी होता था, सहरी के बाद पता चलता था। तो ये एक उस हर दौर में इंसान ने कोशिश की अपने मसाइल को वक्त के लिमिटेशंस के हिसाब से उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमारे बुज़ुर्गों ने भी कोशिश की कि उन जो अपनी जो लिमिटेशंस थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना जो है कि अपनी ऑब्ज़र्वेशन को, वो उनका ज़्यादा कमाल है ऑब्ज़र्वेशन पर जो थे वो रोज़े भी रखते थे, उसका ब्रेक भी करते थे, इफ्तार भी करते थे, सहरी भी उठते थे और सहरी का इख्तिताम भी करते थे, ईद का चांद देखते थे और ईद का चांद जो है, और ईद का चांद भी इसी तरह से जैसे कि मैंने कहा ईद का चांद श्रीनगर में किसी बड़े उलमा ने देखा तो यही आवाज़ जो है डोलों के ज़रिए से एक मतलब कोने कोने तक पहुँचती थी। ये इसके बाद इसमें जो आप फरमा रहे हैं इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आ गया वो रेडियो की बदौलत हो गया। जी जी, रेडियो आ गया। जी 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 जी, रेडियो की इस वजह से एक यूनिफॉर्मिटी हो गई कि जहाँ भी कहीं दुनिया में मतलब ईद ये चांद दिखता था तो वो सिग्नल जो था सारे वर्ल्ड में जाती थी। अब यह है कि चूंकि ज्योग्राफी की वजह से कहीं चांद पहले नज़र आता है, कभी दूसरे कुछ दूसरे दिन होता है, तो इतना फ़र्क हुआ फिर कोई मसला नहीं रहा, फिर तो ये मसला हल हो गया। और प्रोफेसर साहब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये हर एक चाहे फेस्टिवल हो या
एक महीने तक ये खुसूसी महीना जो है ये मुसलमानों के हवाले से, या हालांकि यहूदियों, ईसाइयों और बाकी कौमों में भी किसी न किसी तरह रोज़े का हिसाब किताब है सब में, लेकिन जहाँ तक रोज़े का मामला है तो इसमें ये इम्पैक्ट करता है ज़िंदगी के हर फील्ड को। जब आप खाना ही नहीं खाए जी 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 तो तब आप शायद काम भी कम कर पाए जी, तो शायद आपको आराम की ज्यादा जरूरत पड़े जी, शायद आपको एनर्जी की लेवल एक इफ्तार पर ज्यादा बढ़ानी पड़े जी, तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट जी, 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 जी। फिर आपके यहाँ ईद होती है तो उस पर इखराजात भी होते हैं, लेकिन हर फेस्टिवल का एक इम्पैक्ट रहता है, एक वो एक अपना कल्चर डेवलप करता है जी जी जी। तो रमजान ने कश्मीर के हवाले से कौन सा अपना कल्चर डेवलप किया था? जी जी, पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ कश्मीर में रोज़े के दौरान जो कश्मीरी सॉन्ग्स हैं जो औरतें गाती हैं, रुफ और वनवन जिसको कहते हैं, ये लाजमी मलजूम बन गया था हमारे रोज़ों का। माह रमज़ान के आमद पर भी एक दो दिन पहले ही हमारी बच्चियां, जहां बच्चियां और हमारी माएँ बहनें जो हैं वो रुफ और इसके आमद में गाती थी, और पूरे महीने ये रहता था। मर्द हजरात जाते थे मस्जिद में इसकी तरावी पढ़ने के लिए, और हमारी बहनें, हमारी माएँ जो थीं वो एक मोहल्ले में जो एक खास किसी आंगन में वो जमा होती थी, और वहाँ छोटी बच्चियाँ जो हैं, मतलब जो जवान लड़कियाँ, वो अलग से अपना रुफ गाती थी, और जो बड़ी माएँ बाएँ थी वो अलग से उसको वनवन कहती थी। तो ये एक लाजमी मलजूम बन गया था, और आज लगता है जैसे कि ये था ही नहीं, मगर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू नो फीचर था हमारे रमज़ान कल्चर का जो कश्मीर में था। तो इसी तरह से जो ईद थी, ईद तकरीबन 2-3 दिन ये कंटिन्यू रहता था औरतों का, ये वनून और रुफ और ये, और जो मर्द हजरा थे वो डिफरेंट एंटरटेनमेंट्स करते थे। बच्चे जो थे ना, बच्चे उस ज़माने में या तो जिसको हम हगुर कहते हैं, आई डोंट नो मैं किस तरह से उसको उर्दू में तर्जमा करूं, जो या व्हील व्हील या दो व्हीलों पर होता था या चार व्हीलों पर होता था, खुद बनाते थे घर में किसी की मदद लेकर, या खुद जो भी बनाते, अगर थोड़े से बड़े बच्चे होते थे वो घर में बनाते थे, और ये 10-15 दिन पहले इसका इंतजाम होता था कि हगुर बनाना है, और इस दिन खूब हगुर चलाते थे, एक उस पर बैठता था, दो इसको खींचते थे। तो ये एक बच्चों का होता था, गली डंडा खेलना, और वो कुरकुच मुहल जो डंडा खड़ा करके उसको और डंडा, और यहाँ एक चढ़ता था और इस शीशा, और ये यहाँ ये बच्चे जो थे बड़ा, मतलब इसका इंतज़ार होता था ईद कब आ जाएगी, हम ये खेलेंगे। और बड़े लोग जो थे ये कहीं गाने की पार्टी भी होती थी, कहीं और डिफरेंट एंटरटेनमेंट के वो करते थे वो, और बड़े लोग जो थे बादशाह हुक्मरान, वहाँ मुशायरा भी होता था, वहाँ आतिशबाजी भी होती थी, वहाँ गाना भी होता था, वहाँ लोगों को खैरात भी देते थे इस तरह से बड़े लोगों में, और आम लोग इस तरह। इसके साथ साथ ये जो ईद के दिन जो है, ईद के दिन, अगर ईद के दिन नहीं मगर दूसरे दिन जो थे, अपने दामादों को बुलाते थे। अच्छा, दामादों को ज़रूर बुलाते थे, ईद पर तो ज़रूरी बुलाना था। और मैं और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो मैंने खुद देखी कि जब माह मुबारक आता था, स्टार्ट होता था, तो जो नई नई दुल्हनें होती थी जो, उनको अपने वालदेन जो है, मायके वाले जो थे, वो पहली ईद ज़रूर उसको उनको अपने घर करवाते थे। यानी पूरा महीना वो गुजारती, वो पुरानी महीना गुजारती। इसकी एक ख़ास वजह है कि लोगों में वो एक हया शर्म होता था कि औरत लड़की जो है, या मतलब जिसकी शादी हुई है, अगर ये किसी उज़र की वजह से 2-3 दिन 4 दिन नहीं रख सकेगी, तो उसका वहाँ ये शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी कि इसका आश्कारा यहाँ इजहार हो जाए यहाँ, तो इसकी वजह से भी, या किसी और हो सकता है बीमार पड़ जाए, वो नहीं रखे, वो नहीं चाहती थी कि हम ये मैं ये मतलब अपनी जो ये जो है जहाँ उसकी शादी हुई है, इन-लॉज हैं, वो उनसे वो उनका एक हया और शर्म था। इसलिए मैंने खुद अपने बचपन में
देखा कि जनरली ये जो नई नई शादियाँ होती थी, ये दुल्हन इनको अपने मायके वाले जो थे वो घर लेते थे उनको। और ये हम देखते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि ये जो रोज़े रखने का, और रोज़े रखने के जो हमारे पांच अरकान हैं, पांच अरकान में से हम देखते हैं कि रोज़े जो थे लोग कमोबेश इसको ऑब्ज़र्व करते थे एज़ कम्पेयर टू अदर फंडामेंटल्स। हाँ, इसकी मुझे लगता है इसकी वजह है कि जो ये फाका रखने का रिवाज जो था, चूँकि ये बहुत पुराना था, दूसरे अदियान में भी इससे जो पहले यहाँ मज़हब रहे वहाँ भी था, और ये कल्चर जो था एक डीपली एम्बेडेड कल्चर था, इसलिए लोगों में ये ज़्यादा रूटेड, ज़्यादा इसमें मतलब इस टुक रूट्स अमंग द मुस्लिम आल्सो। तो ये कुछ ख़ास बातें जो हैं हम देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ईद के दिन सुबह जब नमाज पढ़ते थे, तो नमाज के बाद पहली घर जाने से पहले लोग कब्रिस्तान पर जाते थे, और कहीं अगर स्थान होता था कोई तो वहाँ फातह खानी की जाती थी, ये ज़रूरी था वहाँ जाना। और ईद की नमाज जो है वो ज़रूरी ईदगाह में पढ़ते थे। वो शायद पूरे माह रमज़ान में जो जुमा की नमाजें हुआ करती थी, फ्राइडे गजर हुआ करती थी, वो शायद छोटे गाँव में नहीं छोटे गाँव में मसाजिद का जो रिवाज है ना वो बहुत रिसेंट है। ये यहाँ एक कस्बे में एक मस्जिद एक जगह लोग पढ़ते थे, मतलब जो हेडक्वार्टर होता था अपने कस्बे का वहाँ नमाज पढ़ते थे, जुमा नमाज भी पढ़ते थे। और जो उसकी तो बात ही नहीं, को शब कदर और या आखिरी जुमा जो है वहाँ जाते थे। और ईदगाह की नमाज भी ईद की नमाज भी ईदगाह में पढ़ते थे। ईदगाह जो आजकल आप देखते हैं गाँव में ये है, ये नहीं था, ये एक ही जगह मतलब ईदगाह में पढ़ी जाती थी। माह रमज़ान का ये पूरा जो महीना रहता है कि उसके जो ये कल्चरल इम्पैक्ट्स जो हैं, इससे एक लिंक कॉमर्स का भी मिलता है कि आपकी ये जो रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं महीने में। जी जी जी, जो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स तो हमेशा से बदलती रहती हैं कि मतलब एक ज़माने में पैसा कम था तो ज़्यादा लोग खर्च नहीं करते थे। जी जी जी, आज लोगों की ज़रूरतें थोड़ी बढ़ गई हैं, जी पैसा जी भी है जी, तो कॉमर्स भी इससे जी लिंक रहा। देखिए मैं आपको मतलब इसको हमें जो समाज में एक क्लास रिडन सोसाइटी हमारी थी, हमेशा रही है, आज भी है। जनरली लोग पहले गरीब होते थे, मैंने भी गरीबी में रोज़े रखी, तो लोग बस एक चीज़ जो मैंने देखी एडिशन जो होता था माह रमज़ान में, मैं गरीबों की बात करता हूँ जिसमें मैं भी था, रोज़ों में हम रोटी बनाते थे। बस ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप हमसे एक्सपेक्ट करते कि हम गोश्त लाएंगे, मुर्गा कग लाएंगे। ये मुर्गा ईद के लिए होता था, या मुर्गा किसी बड़े दिन के लिए होता था, कोई शब कदर के दिन के लिए होता था। आम लोग, ये आज भी ये वो बात नहीं है, आज भी आप देख लीजिए आम लोग जो हैं, आज भी आम लोग हैं। आज ये नहीं हम आइवरी टावर में बैठकर हम कहेंगे बस हम ये ऐसे ही लोग सारे हैं। आज भी लोग जो है ना वो इसी साग पर या किसी सब मामूली सब्ज़ी पर जो है अपना रोज़ा रखते हैं। अगर आप उनको कहो आप ये अंडा लाओ, वो अंडा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप खुद समझ सकते हो कि जिसकी जो मुश्किल से 500-600 रुपए जो दिन में कमाएगा, और उसकी एक फैमिली है, और वो कहाँ मुश्किल से पेट पालेगा, उसके लिए रोटी जो है ये उसके लिए अंडा जो है वो भी एक लग्जरी है। ये आज जो है हम मेवा लाओ, ये लाओ, इसे आप ब्रेक करो, फलानी चीज़ लाओ, मैं आज मतलब मेरी सिचुएशन बदल गई, आज पहले मेवा खाना है, मेवा भी होगा, पानी में क्या क्या होगा, पानी मुख्तलिफ शरबतें होंगी और दूसरी चीज़ें होंगी, फिरीनी होगी, मेवे होंगे, गोश्त भी होगा, अंडे भी होंगे, मुर्गे भी होंगे, दूसरी चीज़। मगर ये एक स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। आम लोग जो है ना इस वक्त भी बहुत ही सादे जिंदगी से बिल्कुल यही और कम पैसों पर बिल्कुल बिल्कुल घर चला, ये बात है। इस वक्त लोगों को मतलब आप देख लीजिए कि हालांकि ये थोड़ा सा डिविएट एट, अब लोगों को 1,000 या 1,500 या 1,200-1,300 रुपए इस वक्त फीस देनी है, कितना हाहाकार मच गया, क्योंकि है प्रॉब्लम लोगों में।
है नहीं, मतलब ये क्या उसे कहते कि कैपेसिटी नहीं है खर्च करने की। तो इसलिए इस सूरत में आप अमीरी और गरीबी के तनाजर में जो है इस सेलिब्रेशन को देख लीजिए। आम सेलिब्रेट करता था यही, वो मतलब आम औरतें और ये वो, ये बेचारे यही रुफ और गाना गाते थे, और मर्द लोग जो थे वो मतलब नमाज पढ़कर कुछ और भी कुछ अपना सादगी से एंटरटेनमेंट करते थे, बाकी खाने में कोई खास। हाँ अगर किसी का, मैं अपनी बचपन की बात, हाँ अगर किसी के पास थोड़ी बहुत सकत मतलब किसी को थोड़ा सा उसकी पोजीशन बेहतर हो, थोड़ी सी भी हो जाती, अगर एफर्ट कर सके, तेल थोड़ा सा ठीक ठाक डालता। अच्छा। सब्जी में तेल ठीक ठाक डालता, और मैंने कहा रोटी बनाता था, रोटी, ये गाँव की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये इसलिए आम इंसान की ज़िंदगी में कोई खास खाने पीने में कोई खास फर्क नहीं। और जहाँ तक काम करने का, काम तो मैं आपको कहूँगा काम में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। आज का इंसान शायद कहेगा वो इंसान सादा खाकर पूरा दिन काम करता था, औरतें भी काम करती थी, मर्द भी काम करती थी, सेहत भी थी, सादा खाकर सेहत भी थी क्योंकि लोग काम करते थे। औरतें उस हालत में भी सुबह सहरी खाकर ही वो दान कूटने के लिए निकलती थी। दान ये अगर आज की औरत कोई कहेंगे कि ये दान चार चार तरह सुबह कोटते थे, अपने एक जॉइंट फैमिली को खिलाते थे और फिर सरप्लस भी रखते थे विंटर के लिए, वो कहेगी ये क्या कह रहे हैं, ये कोई दास्तान है, ये दास्तान है, ये कोई रियलिटी नहीं हो सकती है, रियलिटी नहीं हो सकती है, रियलिटी नहीं हो सकती है। मगर ये मेहनत लोग करते थे, ये वहाँ एक अकीदा था ये रखना है, बाकी इसी कुछ किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। आज भी अगर आप करें, अगर आपको अकीदा हो, अकीदे से आप करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़े। ये इंसान एक साल मेंटल गेम होती है, ये मेंटल गेम। हम आजकल एफर्ट कर सकते हैं क्या, ऐश अशरत बैठना वगैरह, उस वक्त हार्ड लाइफ में बैठना तो पॉसिबल नहीं है, बट देन यू कैन नॉट सर्वाइव। तो डॉक्टर साहब आपने अपने बचपन इसमें जो जान डाली इस कन्वर्सेशन में, अपने बचपन के जमाने की बातें कह के, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं, मगर एक बात ही मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूं कि मैंने मिडीवल भी देखा, मॉडर्न भी देखा, क्योंकि मिडीवल हमारा 50s तक था। मैंने थोड़ा सा पीछे ही लिया, 60s में भी मिडीवल, मैंने मिडीवल भी देखा, मॉडर्न भी देखा, पोस्ट मॉडर्न भी देखा, पोस्ट मॉडर्न देखा। हमारे बच्चे जो है ना, अगर आप उनको ये बातें बताएंगी, कहेगा ये कहानी बता रहा है, ये कहानी बता रहा है। मैंने एक दफ़ा मैंने एक बड़े प्रोफेसर को कहा कि कश्मीर में क्या था हालात, लोग किस तरह से सर्वाइव करें, उसको लगा इट सीम्स ए कंकॉक्शन। नहीं मतलब ये है कि लोग मतलब राइस ग्रोअर पर जिंदगी गुजारते थे, हाँ उस पर सब्जी डालकर गुजारते, फाका कशी भी करते थे, उस दूध के बगैर चाय पर करते थे, हमारी माएँ कहती थी, हमारे बाप कहती थी। तो ये लगता था ये स्टोरी घट रहा है, ये ऐसा नहीं। इसी तरह से हमारे बच्चे भी जब हम उनको ये कहेंगे, अनबिलीवेबल लगता है ये। तो डॉक्टर अशरफ साहब, आपने इस प्रोग्राम में कल्चर के हवाले से और जो इसको कैसे हमारे कल्चर को रमज़ान ने कैसे इम्पेक्ट किया है फ्रॉम प्री मॉडर्न टाइम्स टू नाउ literally where in post modern era, अतः आप कोई रूफ नहीं है, आप ना कोई रूफ है, ना कोई वनून है, सब तब्दीलियां बहुत सारा बदल गया, बहुत बदल बदल गया, ना लोगों को फुर्सत है अब। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में इतना सारी नॉलेज हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए हम आपके मशकूर हैं। तो हमारे चूँकि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, एक खैबर के इश्तराक से प्रोग्राम चल रहा है, खैबर की तरफ से ये छोटा सा तोहफा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब कोई बहाना फिर ढूंढ ही लेंगे आपसे एक बार फिर बात करने के लिए। जरूर जरूर जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।